बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेरो किचन में आप सबका स्वागत है। आज बना रहे हम आलू और अंडे का नाश्ता, मज़ेदार, जो बच्चे टिफिन में भी ले जा सकते हैं और सुबह का हल्का फुल्का नाश्ता भी हो सकता है। चलिए बनाते हैं, किस तरीके से हमें बनाना है। चार मीडियम साइज़ के आलू लेके उसे हमने अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। आलू उबले ले, इसको अच्छे से मैश कर ली है। इसी में दो हरी मिर्ची हम डाल रहे हैं, बाकी ये प्याज भी एकदम बारीक कटी हुई है, ये भी हम सब डाल देंगे। तीन प्याज छोटी हुई काटी हुई है, कटी हुई है तीन छोटी प्याज। आधा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। इसी में हम कटा हुआ कोथमीर डाल देंगे। हम ब्रेड क्रम्स डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये अंडे उबाल के और अंडे को ऐसे चार भाग करके कटिंग कर लेना है। दो चम्मच मैदा लेके इस तरीके से पानी से हमने घोल लिए हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाले हैं और इसी में थोड़ी काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर है। ये जो बैटर बना के रखे हैं इसको हम इस तरीके से अच्छे से हाथ में पानी लगा लेंगे। पानी लगा के इस बैटर को इस तरीके से फैलाएंगे और इसी में हम जो ये अंडे कटा हुआ रखे हैं उसको इस करके ऐसा बॉईल बना लेंगे। ऐसे अंडे और आलू की बॉईल बना लेना है हमें और इसमें डीप कर लेना है ऐसा मैदा में, और इसी में ही ब्रेड क्रम्स में हमें डीप करना है और तेल में डक करना है। देखिए इस बॉल्स को हम इस तरीके से तेल में डीप फ्राई करके लाल करना है। ये हमारी डिश तैयार है। सेरो किचन को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।